ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ YouTube ਚੈਨਲ TLU ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ GCS ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਯੋਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਏ ਗਾਣੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਸਟ ਕਿਸ ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੀ ਥੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਫੈਨਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੇ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗਾਣੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬ ਆਏਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਜਬ ਸੇ ਕਮਬੈਕ ਕਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੰਗਸਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਲੈਬ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਫੀਚਰਿੰਗ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੀਚਰਿੰਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਅਬ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਖੁਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਬਟ ਇਸ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਪਸਿਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੋ ਫੀਚਰਿੰਗ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਾਲੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕੀਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਬ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਫਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੀ ਜੋ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਨੀਲ ਗੋਲੂ ਸਿੰਗਸਟਰ ਹੋਮੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਕੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਤੇ ਸਭ ਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਐਸੀ ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਨਮਨ ਬੀਟਸ ਉਨਕਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਨਕੀ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨੀਡ ਹੋ ਕੁਝ ਬੀਟਸ ਕੀ ਆਪ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਬੀਟਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਗਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਬੀਟਸ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸਕਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਂ ਲਿੰਕ ਡਾਲ ਦਿੰਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ये टीजर लग रहा है ये म्यूजिक हाँ लग रहा है भाई ओके यो यो हनी सिंगर यो यो हनी सिंगर ये यार इप्सिता टाइम है कम कहती मुझे मेरी रोली रोली शायद ये रोली मतलब रोलेक्स टाइम कम है ये रोलेक्स मुझे कहती है हाँ। बहुत सही है और एक चीज और यार अभी तक जैसे चल रहा था ना हाँ। मेलोडी अच्छी लगी पर हनी सिंह जैसी है हनी सिंह आया तो अलग ही थोड़ा सा पीछे देखा बिल्कुल I can drive for you maybe 1000 miles ek number gaana tha but yaar abhi to jitna sun raha hu main featuring galat rakha hai yo yo singer lag raha hai na featuring waise lag raha hai mere khayal se ek aur verse shayad ho ha shayad ho bilkul dekhte hain aage ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਵਾੜੇ ਟੋਏ ਜਿਸ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਮਨੇ ਸੋਏ ਹੋਏ
गिफ्टी गिफ्टी मतलब क्रेडिट तो आजकल हर किसी को दे रहे हैं, एक एक मतलब छोटा से छोटी चीज छोटा आर्टिस्ट को भी दे रहे हैं, जैसे मिक्सिंग में जो है सिंगस्टार करता है वो भी रखा है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ यार, देखो ये चीज तो मैं मानता हूँ, हनी सिंह ना अपनी स्टोरी से बता रहे थे कि वीडियो बड़ी बेहतरीन बनी है तो उस पर टाइम रहता है, वो दिख भी रहा है वीडियो, मतलब एस्थेटिक्स अगर देखो वीडियो की, तो जैसे आउटफिट किसका येलो है तो पूरा बैकग्राउंड में येलो येलो था, जैसे ब्लू जैकेट डेनिम की पहनी थी तो पीछे भी ब्लू ब्लू सीनरी थी, वो सीनरी से मैच करके एस्थेटिक्स रखे थे। इसमें भी देखो जैसे रेड पहना हुआ है तो पीछे रेड और वाइट है, बिल्कुल ये चीज तो अच्छी लगी मुझे। बाकी गाना पुराना हनी सिंह अभी जो है धीरे धीरे आ रहा है, बट ये गाने मुझे ऐसा जितनी ये बेचैनी लाते हैं ना, मुझे लग रहा था यार कि दो महीने बाद गाना आने वाला है तो कुछ तड़कता लगता सो, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर हनी सिंह पूरा घर बनाते ना खुद होके तो जाना चाहिए, क्योंकि बिल्लो तो आगे मेरी यही शिकायत थी, जो सिंगस्टा का पार्ट था वो भी अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा था, बट ये कि हनी सिंह हम लोग जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं क्योंकि काफी टाइम से सुना नहीं ना, जैसे इसके सिंगल आए थे मॉस्को मशूका और वो सारे लोगों का, उसमें से भी मॉस्को मशूका ही मुझे अच्छा लगा था, बाकी दोनों इतने अच्छे नहीं लगे थे, अच्छे थे वो भी, तो वैसे टाइप के गाने और सुनना चाह रहे हैं हनी सिंह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना भी मतलब एक तरह से कौन उसकी जो मेलोडी थी ना, जो फ्यूचर हनी सिंह ने जो रखी है, देखो यार मैं हमेशा कहता हूँ एक हनी सिंह एक फैनम हो गए इंडिया के मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर लगता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ना, वो जो फ्यूचर लेके आए, ये जो पुराने अरे टच रखा, जो ओल्ड क्लासिक जो बॉलीवुड वाले गाने होते हैं वैसे रखा, उसे फर्स्ट किस के साथ जोड़ा, वो बहुत अच्छा लगा। बट ये इप्सिता की भी जो आवाज थी बहुत अच्छी लगी, बट हम यार हनी सिंह को जाते हैं यार वो ज्यादा है कि नहीं, थोड़ा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कि थोड़ा अब इतने टाइम बाद इतना प्रमोशन हाँ, था हनी भाई, तो हमें लग रहा था कि उसका पोर्शन जो है जो हाँ, पार्ट है सॉन्ग का उसका ज्यादा होगा, वैसे ज्यादा मुझे ये लगा था, मतलब इससे ज्यादा अच्छा मुझे उसका रैप लग रहा था, केयर नहीं करता जो अभी आया था, केयर नहीं करता उसका रैप ज्यादा अच्छा लगा मूवी में था, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसका रैप भी अच्छा लगा, ये गाना भी सही लगा, बाकी आप भी बताना आपको ये गाना कैसा लगा, आपको ये गाना ज्यादा अच्छा लगा था कि इनके पहले गाने ज्यादा अच्छे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितने भी यो यो के फैंस हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियो जल्दी आती रहेंगी। अब तो काफी गाने लाइन अप है, काफी एल्बम्स आ रही है रफ्तार की, इक्का की, पूरा वो भी हम ऑडियो पे ट्राई करते हैं उसको भी रिएक्ट करने को, काफी लोग कह रहे हैं तो सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया जो नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।